हेलो बच्चों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे आज हम सॉल्व करने वाले हैं ड्रॉ ऑफ 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 27 टीम्स ऑन द बेसिस नॉकआउट टूर्नामेंट आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे लेकिन वो कम्पलीटली आपको नहीं समझाते हैं तो यहां पर आप स्टेप बाय स्टेप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आपको इस वीडियो के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे तो पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टीम ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन ये ऑड संख्या है तो यहाँ आप ब्रैकेट में इसे ऑड लिख लेंगे उसके बाद लिखेंगे आप टोटल नंबर ऑफ मैचेस इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला होता है एन माइनस वन हमेशा ध्यान रखिएगा फॉर्मूला वन माइनस कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ टीम में से तो ट्वेंटी सेवन माइनस वन इजिकल टू ट्वेंटी सिक्स मैचेस अब इसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ टीम्स एन अपर हाफ इसका फॉर्मूला होता है एन प्लस वन अपॉन टू हमेशा ध्यान रखेगा ऑड संख्या होने पर ही आपका यह फॉर्मूला लगता है इवन होने पे एन अपॉन टू लगता है यहां पे हो जाएगा आपका ट्वेंटी सेवन प्लस वन टू उसके बाद ट्वेंटी एट अपॉन टू कट होने पे आपका निकल के आता है फोर्टीन तो यहां पर आपको पता चल गया फोर्टीन टीम आपके अपर हाफ में आने वाली हैं इसके बाद हम लिखेंगे लोअर हाफ के लिए इसका फॉर्मूला होता है एन माइनस वन अपॉन टू तो हो जाएगा आपका ट्वेंटी सेवन माइनस वन अपॉन टू उसके बाद आपका हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स अपॉन टू कट होने के बाद आपका निकल के आएगा थर्टीन टीम तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि आपके लोअर हाफ में थर्टीन टीम्स आएंगी अब इसके बाद हमें क्या करना है अब इसके बाद हमें लिखना है टोटल नंबर ऑफ बाइस इसके लिए आपका जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका नेक्स्ट हाइएस्ट पावर ऑफ टू माइनस टोटल नंबर ऑफ टीम्स तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ टू किस से टोटल नंबर ऑफ टीम से क्योंकि हमारे यहाँ पर टीमों की संख्या है ट्वेंटी सेवन तो इसलिए हमें टू की हाईएस्ट जो होती है वो होती है थर्टी टू कितना टू की पावर फाइव होने पर निकलता है थर्टी टू तो यहाँ पर हम जो माइनस करेंगे वो करेंगे थर्टी टू माइनस ट्वेंटी सेवन टू आपकी जो बाईस की संख्या निकल के आएगी वो आएगी फाइव बाईस अब इसके बाद हमें करना है नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ इसका फॉर्मूला होता है एन बी नंबर ऑफ बाइज बोलते हैं एन बी को माइनस वन अपॉन टू तो हो जाता है आपका फाइव माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू फोर अपॉन टू कट करने पे आपका निकलता है टू बाई इसी तरीके से आप लिखेंगे नंबर ऑफ बाइस एन लोअर हाफ इसका फॉर्मूला होता है आपका एन बी प्लस वन अपॉन टू ध्यान से अपने फॉर्मूलो का हमेशा याद रखिएगा तो यहां पे हो जाएगा फाइव प्लस वन अपॉन टू यहां पर भी आपको ऑड इवन का चक्कर हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पे एन बी अपॉइन टू हो जाता अगर यहाँ फ्रेम फोर होती है सिक्स होती तो यहां पर आपका हो गया ये सिक्स अपॉन टू कट करने पे आपका निकलता है यहाँ पे थ्री बाईस अब इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है हमें यहाँ पर डिसाइड करना है क्वार्टरली क्योंकि जब टीमें सोलह से ज्यादा होती हैं तब हमें क्वार्टरली फिक्सर बनाना होता है तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे टीम्स In each quarter, first, second, third, and fourth. So, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी है 27 सेवन है यहाँ पे 27 सेवन है तो हमें चार हिस्सों में डिवाइड करना है 27 से कम को तो क्या हो जाता है सिक्स 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 तो होता है 24 अगर सेवन 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 करते तो सेवन फोर जा 28 होता और 27 से ज्यादा होता तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे तो यहाँ पे छः 6, 6, 6, 6, 6, चारों में हो गई उसके बाद कितनी टीम बच रही है सिक्स फोर जा ट्वेंटी के बाद ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन तीन टीमें बच रही हैं तो एक टीम आपकी जाएगी फर्स्ट क्वार्टर में उसके बाद जो अगली जाएगी वो आपकी जाएगी थर्ड क्वार्टर में उसके हमेशा और उसके बाद एक और होती तो वो जाती है आपके फोर्थ क्वार्टर में ये आपके क्वार्टर में टीम को डिवाइड करने का तरीका होता है तो इस तरीके से तो हो जाएगा आपका सिक्स प्लस वन सिक्स प्लस वन सिक्स प्लस वन और उसके बाद आपका हो जाएगा सिक्स तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर तो यहाँ पे सेवन 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 एंड सिक्स तो सेवन थ्री है ट्वेंटी वन प्लस सिक्स हो जाता है आपका ट्वेंटी सेवन तो आपका जो पूरा फिक्सर में जैसे टीम डिवाइड होने वाली है हर एक क्वार्टर में तो यहाँ पर हमने तैयार कर लिया है तो चलिए आप अपना तैयार करते हैं फिक्सर तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले टीम्स One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, twenty-five. ट्वेंटी एंड ट्वेंटी तो यहाँ पर हमने अपनी सारी टीमें लिख ली हैं इसके बाद आपको अपर हाफ़ में जो टीमों की संख्या थी वो फोर्टीन थी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ से आप इसे अपर हाफ़ और लोअर हाफ़ में दो पार्टों में डिवाइड कर लेंगे ठीक है यहाँ पे आप अपर हाफ़ लिख देंगे यहाँ पे आप लोअर हाफ लिख देंगे और तो इसके बाद आपको क्वार्टरली डिस्ट्रीब्यूट करना था आपके फर्स्ट क्वार्टर में सात टीमें हैं तो सात टीमों के बाद यहाँ पर आप अपने लिए एक कट लगा लेंगे उसके बाद आपके लोअर हाफ मतलब थर्ड क्वार्टर में भी कितनी टीमें थी आपकी सात टीमें थी तो यहाँ पे आप काउंट कर लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन यहां पर आप एक अपने लिए कट लगा लीजिए ठीक है तो इस तरीके से आपके कट लग गए उसके बाद हम सबसे ऊपर लिखेंगे यहाँ पे राउंड राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री एंड राउंड फोर एंड लास्ट राउंड फाइव ठीक है अब इसके बाद हमें बाइस डिस्ट्रीब्यूट करनी है आपको पता था कि अपर हाफ में जो बाइस है वो दो है और लोअर हाफ में जो बाइस है वो तीन है तो हमें सबसे पहले अभी नीचे मत देखिएगा आप सिर्फ ऊपर देखिएगा हमें उसी पैटर्न को फॉलो करना होता है जिसमें हम पूरे फिक्चर में फॉलो करते हैं बाइस डिस्ट्रीब्यूट करने का तो यहाँ पे ऊपर दो बाई देनी है तो हम यहाँ पे देंगे सबसे पहले बाई देंगे यहाँ पर बाई लोअर हाफ ये अपर हाफ और ये लोअर हाफ की तरह हम ट्रीट करेंगे नीचे मत देखिएगा अभी ठीक है तो यहां बाई वन एंड बाई टू तो ये हो गई आपकी दो बाई अपर हाफ में फिक्स उसके बाद इसी तरीके से आप नीचे भी अपनी तीन बाईज फिक्स करेंगे ये एक बहुत आसान तरीका होता है हमें पता है हम लोअर हाफ में आप तीन बाईज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सबसे पहले जाएगी आपकी लोअर हाफ की लास्ट टीम को उसके बाद अपर हाफ की फर्स्ट टीम को उसके बाद लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को तो यहां पर आपकी तीन बाइस फिक्स हो गई हमेशा ध्यान रखिएगा बाइस फिक्स करने का यही एक बहुत आसान तरीका होता है ठीक है अब इसके बाद हम कराएंगे फर्स्ट राउंड में मैचेस आपका सेकंड टीम का जो मैच होगा वो थर्ड के साथ होगा फोर्थ टीम का जो मैच होगा फिफ्थ के साथ होगा सिक्स का मैच होगा सेवन के साथ इसी तरीके से एट का मैच होगा नाइन के साथ टेन का मैच होगा इलेवन के साथ ट्वेल्थ का मैच होगा थर्टीन के साथ इसी तरीके से आपका सिक्सटीन का मैच होगा सेवनटीन के साथ एटीन का होगा नाइनटीन के साथ ट्वेंटी का होगा ट्वेंटी वन के साथ ट्वेंटी थ्री का होगा ट्वेंटी फोर के साथ ट्वेंटी फाइव का होगा ट्वेंटी सिक्स के साथ तो ये आपके फर्स्ट राउंड के मैचेस हो गए इसके बाद आपके जो सेकेंड राउंड के मैचेस होंगे वो होगा आपका बाई का होगा मैच सेकेंड और थर्ड के विनर के साथ तो ये मैचेस मैं आपके पहले मैचेस बना देता हूँ उसके बाद मैं आपको टीमों की संख्या दिखाऊंगा और मैचेस की संख्या दिखाऊंगा तो ये इस तरीके से ये दो टीमें आपस में खेलेंगी यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर मैच होगा उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से मैच होगा फिर यहाँ पर होगा इस तरीके से फिर यहाँ पे बाई प्राप्त वाली जो ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर के विनर से होगा फिर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सेवन का मैच होगा तो ये हो गया सेकेंड राउंड के तो इसके बाद यहाँ पे साथ में मैच नंबर डालते जाते हैं यहाँ पे मैच नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट टेन, एलेवन ट्वेल्व, थर्टीन फोरटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन इसके बाद आपका जो अगले मैचेस होंगे वो इस तरीके से होंगे उसके बाद नेक्स्ट मैच आपका इस तरीके से होगा फिर इसके बाद इस तरीके से होगा उसके बाद, इस होगा. उसके बाद फिर इस तरीके से होगा यहाँ पे 19 मैच हो गए हैं यहाँ पे 20 मैच हो जाएगा 21 मैच हो जाएगा 22 मैच हो जाएगा 23 मैच हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर ये मैचेस होंगे फोर्थ राउंड में सेमीफाइनल के मैचेस हैं ये यह, यहाँ पे हो जाएगा 24 फोर यहाँ पर हो जाएगा 25 और यहाँ पे जो फाइनल मैच होगा आपका होगा मैच नंबर 26 तो इस तरीके से पता चल गया कि हमारे फिक्चर में जो मैच नंबर्स हैं वो एकदम करेक्ट हैं अब यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप टीमें किस तरीके से जिताएंगे यहाँ पे देखिए फर्स्ट राउंड में जो आपका सेकंड और थर्ड का मैच हुआ था तो इसमें से सेकंड टीम ने विन किया फोर फाइव में से आपका फोर ने विन किया सिक्स सेवन में से सिक्स ने विन किया एट नाइन में से आपका एट ने विन किया आप किसी भी टीम को विन कर सकते हैं यहाँ पे टेन ने विन किया उसके बाद हमेशा ध्यान रखिएगा इस फिक्चर में पूरे में जो आपने सर्कल में लिखा हुआ है वो आपके मैच नंबर है और सर्कल के बाहर जो लिखा है वो टीम विनिंग है जो मैच खेलकर जीती है तो यहाँ पर आपका ट्वेल्व ने मैच जीता है यहाँ पर आपका उसके बाद ये दो बाई वाली टीमें हैं यहाँ पर 16 ने मैच जीत लिया है उसके बाद यहाँ पे 18 ने मैच जीत लिया है उसके बाद यहाँ पे 20 ने मैच जीत लिया है यहाँ पे आपका 23 ने मैच जीत लिया है और यहाँ पर आपका 25 ने मैच जीत लिया है तो यहाँ पे ये आपके विनर्स मिल गए इसके बाद आपका जो मैच होगा वन का होगा टू के साथ तो यहाँ पर आपका वन ने विन कर लिया है यहाँ पे आपका फोर और सिक्स के साथ होगा तो यहाँ पे फोर ने विन कर लिया है टेन और एट का होगा तो यहाँ पे टेन ने विन कर लिया है उसके बाद आपका ट्वेल्व का फोर्टीन के साथ होगा तो यहाँ पे आपका फोर्टीन ने विन कर लिया है उसके बाद फिफ्टीन और सिक्सटीन का होगा तो यहाँ पे आपका फिफ्टीन ने विन कर लिया है उसके बाद आपका जो अगला मैच होगा एटीन और ट्वेंटी के बीच में होगा तो यहाँ पे एटीन ने विन कर लिया है उसके बाद आपका जो अगला मैच होगा ट्वेंटी टू और ट्वेंटी थ्री के बीच में होगा तो आपका ट्वेंटी टू ने विन कर लिया है उसके बाद यहाँ पर आपका 25 का मैच होगा 27 के साथ तो यहाँ पर आपका 27 ने विन कर लिया है तो इसके बाद आपके जो अगले मैचेज होंगे वन और फोर के मैच में होगा जो थर्ड राउंड में होगा तो इसमें आपका जो विनर हुआ वो वन हुआ और इसमें टेन और फोर्टीन में जो मैच होगा उसके बाद आपका जो विनर होगा वो टेन हो जाएगा आपका फिफ्टीन और एटीन में विनर होगा फिफ्टीन ट्वेंटी टू और ट्वेंटी सेवन में मैच हुआ तो ट्वेंटी सेवन ने विन किया उसके बाद आपके जो सेमीफाइनल मैचेस होंगे वो होगा वन और टेन के बीच में तो इनमें से विन किया आपका टेन ने उसके बाद तो फिफ्टीन और ट्वेंटी सेवन के बीच में मैच होगा आपका सेमीफाइनल के मैचेस हैं तो यहाँ पर फिफ्टीन ने हुआ और उसके बाद फाइनल जो मैच है टेन और फिफ्टीन के बीच में होगा और यहाँ पर आपको टेन जो टीम है वो आपकी विनर निकल के आएगी तो इस तरीके से बच्चों आपका फिक्सर पूरा तैयार हो जाता है अगर इस फिक्सर में आपको कहीं पर कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि इसी तरीके के वहां पर यूजफुल वीडियोज एंड एजुकेशन वीडियोज आपको मिलते रहते हैं तो उम्मीद है बच्चों ये हमारे वीडियो आपको पसंद आया होगा हमारे वीडियो को लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें ताकि आपके सभी दोस्तों के जितने भी डाउट्स हैं वो दूर हो सके हैं अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद जय भारत